महाशिवरात्रि के अवसर पर आज हम ये जानते हैं शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है, महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है और शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक क्यों किया जाता है। सनातन धर्म की संपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल वी सनातन को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म में शिवलिंग एक शक्तिशाली और बहुआयामी प्रतीक है जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। ये किसी भी रूप या नाम से परे अस्तित्व की अनंत और असीमित क्षमता, निराकार निरपेक्ष वास्तविकता का प्रतीक है। पहला, शिवलिंग को परमात्मा के पुरुष स्वरूप शिव और स्त्री स्वरूपा शक्ति के मिलन के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है, जहाँ से सभी जीवन की उत्पत्ति होती है। बेलनाकार रूप लिंग पुरुषत्व का, जबकि आधार योनि स्त्रीत्व का प्रतीक है, जो सृजन के इन दो मूलभूत सिद्धांतों की संबद्धता और निर्भरता का प्रतीक है। दूसरा, शिवलिंग को ब्रह्मांडीय स्तंभ स्तूप ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में भी देखा जा सकता है, जो ब्रह्मांड का समर्थन और रखरखाव करता है, जो सर्वदा विद्यमान और अपरिवर्तनीय वास्तविकता का प्रतीक है। विशिष्ट संदर्भों में शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रकाश का लिंग। ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में फैले हुए हैं और इन्हें शिव के प्रकाश और ऊर्जा की विशेष रूप से पवित्र अभिव्यक्तियां माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवों के देव महादेव और माँ पार्वती का विवाह फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। इसी वजह से हर साल फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि के पर्व को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान संसार को बचाने के लिए शिव जी में विषपान कर लिया था, इससे उनका पूरा कंठ नीला हो गया था। भगवान शिव के विषपान करने से उसका प्रभाव शिव जी पर और जटा में बैठी गंगा मैं पर पड़ने लगा। ऐसे में सभी देवी देवताओं ने शिव से दूध ग्रहण करने का आग्रह किया। दूध ग्रहण करते ही उनके शरीर में विष का प्रभाव कम होने लगा। हालांकि इसके बाद ही शिव जी का पूरा गला नीला हो गया। तभी से शिव जी को दूध अर्पित करने की परंपरा है।